तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में Realme X2 और Vivo V17 Pro के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। ये मेरे हाथ में है Realme X2 और लेफ्ट साइड में जो है वो Vivo V17 है। दोनों ही मोबाइल जो है रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, तो देखेंगे कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी डिवाइस जो है बाजी मार जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट साइड में मेरे हाथ में रियलमी X2 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास और सामने भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। पीछे की तरफ आपको चार कैमरे मिलते हैं, जो मेन कैमरा है प्राइमरी सेंसर वो 64 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बाकी जो कैमरे हैं आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल के एक्स्ट्रा आपको कैमरे मिल जाते हैं, और इस टाइप की कुछ आपको यहाँ पे इसके डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पोर्ट चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सामने की तरफ रियलमी X2 में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर सेल्फीज़ ले लेता है। अब चलिए बात कर लेते हैं Vivo V17 की। तो Vivo V17 Pro के बाद Vivo V17 यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसमें भी आपको बैक की तरफ चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का, बाकी सब सेम है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल के अदर कैमरे मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास भी देखने को मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो नीचे की तरफ आपको स्पीकर चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। इसकी जो बॉडी है ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, और यहाँ पे आपको कैमरे के सेक्शन के बारे में बात करूँ तो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि Realme X2 में आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों ही मोबाइल में आपको 6.4 इंचेस की एक FHD प्लस सुपर ओमलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे दोनों ही मोबाइल सेम मुझे नज़र आते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सेटिंग सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो Vivo है Vivo V17 वो फनटच OS 9.2 पे रन करता है। इसका आपको डार्क मोड यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Realme X2 में भी आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट फास्ट चार्ज स्विच जो है अभी ऐड नहीं किया गया। Vivo V17 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इसमें प्रोवाइड की गई है, जबकि Realme X2 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, बट यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है वो 30 वाट की वू प्लस 4.0 चार्जिंग प्रोवाइड की गई, जो कि Realme X2 को 60-70 मिनट में फुली चार्ज कर देता है। Vivo V17 Pro में आपको 675 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का, और यहाँ पे 612 GPU पे ये रन होता है। ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, जबकि यहाँ पे Realme X2 में आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे एड्रीनो 618 GPU पे रन होता है, क्योंकि एक न्यूली लॉन्च और गेमिंग प्रोसेसर है। और Realme X2 एक पहली ऐसी डिवाइस है जो कि इस प्रोसेसर को अंडर 20K में लेके आई है। चलिए अब सेटिंग सेक्शन में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि Vivo का V17 है वो यहाँ पे फनटच OS 9.0 पे रन कर रहा है, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 9 है, और प्रोसेसर का तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 675 प्रोसेसर है, 8GB वाला वेरिएंट है, दोनों ही 8GB वाले वेरिएंट हैं। Realme X2 के बारे में बात करें तो Realme X2 जो है वो कलर OS वर्जन 6.1 पे रन करता है, और इसमें भी एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट देखने को मिलता है। जल्द ही यहाँ पे कलर OS 7 विथ एंड्रॉयड 10 भी मिलने वाला है। Vivo V17 को यहाँ पे एडवांटेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि इसके डिस्प्ले में यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जबकि यहाँ पे X2 में आप देख सकते हो तो नॉच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। नॉच भले ही यहाँ पे छोटी है, बट पंच होल डिस्प्ले जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉच वाले डिस्प्ले से। तो कैमरा सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैमरा में भी यहाँ पे सारे जो फीचर्स हैं जो कि दिए जाने चाहिए एक फ्लेक्सिबल लेवल मोबाइल को, यहाँ पे दिए गए हैं। रियलमी X2 प्रो में जो फीचर्स सारे थे वो यहाँ पे रियलमी X2 में भी अवेलेबल कराए गए हैं। दोनों ही मोबाइल में आपको 10x हाइब्रिड जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो Vivo है Vivo में भी आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो भी है यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Realme X2 में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसमें जो रेयर कैमरा है इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे अल्ट्रा नाइट वगैरह सारे जो ऑप्शंस हैं मिल जाते हैं। ये ऑप्शन जैसे Vivo V17 में भी अवेलेबल है, बट Vivo V17 में जो रेयर कैमरा है मेन कैमरा वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। Vivo V17 से आप लाइव फोटोग्राफी तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आप बूके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ Realme X2 की तो यहाँ पे आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से बूके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जो Vivo V17 है उसका जो चिपसेट है ये सपोर्ट नहीं करता है, तो फिलहाल ये सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है।
दोनों ही मोबाइल में आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन Realme X2 में अल्ट्रा स्टडी मोड का फीचर ऐड किया गया है, जिसमें आप सेकी वीडियो भी स्मूथली रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ आप दोनों ही मोबाइल से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों अब दोनों ही मोबाइल के कुछ मैंने फ़ोटो सैंपल्स लिए थे, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही मोबाइल के जो फीचर हैं वो काफ़ी बेटर है, बट यहाँ पे एडवांटेज अगर मिलता है तो Realme X2 को मिलता है, क्योंकि जो इसमें प्रोसेसर है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 730G वाला, और यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको 30 वॉट का वूक फ्लैश चार्जर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपकी बैटरी जो है मोबाइल की वो एक घंटे में चार्ज कर देता है। और अगर बात करें वीवो V17 की, तो यहाँ पे इसको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि इसका जो डिस्प्ले है पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो दोनों मोबाइल है ये 8GB 128GB वाले हैं। वीवो V17 Pro जो है वो आप फ्लिपकार्ट में देखोगे तो लगभग 23,000 का है, और यहाँ पे अगर Realme X2 की बात करें तो इसका 8GB 128GB वाला जो वेरियंट है वो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये में मिल जाता है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर जो Realme X2 है वो बाजी मार जाता है। अगर आपको ये मोबाइल ख़रीदना है और बालाघाट के आसपास आप रहते हैं, तो ये जो मोबाइल है दोनों ही मोबाइल अरियंत मोबाइल शॉप में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप जाओगे और मेरे चैनल का नाम लोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बात करें वीवो V17 की, तो यहाँ पे ये जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है 23,000 रुपये के आसपास है, जबकि अगर आप अरियंत मोबाइल शॉप में जाओगे तो ये आपको 20,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, और Realme X2 में भी भारी डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली यहाँ पे जा सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक लीजिए दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।